नमस्कार, दिव्य ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीपल के पेड़ के बारे में, यानी कि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। क्या हमें किस टाइम आराधना करनी चाहिए, दिया किस टाइम लगाना चाहिए, वो हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है, हमें कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 4 AM यानी कि सुबह के 4 बजे से 7 बजे के बीच में ब्रह्मा जी का वास होता है पीपल के पेड़ में। तो जो लोग 4 से 7 ब्रह्मा जी की आराधना करना चाहते हैं, वो लोग सुबह 4 से 7 देसी घी का दिया भी वहां पे लगा सकते हैं और उसके पास बैठ के आराधना भी कर सकते हैं। 7 से 10 का टाइम होता है मॉर्निंग का, सुबह का, विष्णु जी का, जो अपने मेंटल पीस के लिए या जिसकी शादी नहीं हो रही है, फाइनेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिसकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, उनको वो सुबह 7 से 10 के बीच में वहां आराधना कर सकते हैं, मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, माला भी कर सकते हैं और देसी घी का दिया लगा सकते हैं। इसके बाद 10 से 11:30 के बीच में पितरों का टाइम होता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उनकी कुंडली में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों ने बताया होगा कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो जिनकी कुंडली में पितृ दोष है वो सुबह 10 से 11:30 के बीच में वहां जाके आराधना कर सकते हैं, या फिर जो हमारी कुंडली में दोष है भगवान उसको ठीक करें उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं और देसी घी का दिया लगा सकते हैं। या जब पितरों के दिन होते हैं तो आप वहां पे खाने का भी जो प्रोडक्ट है, जो भी फूड है, वो भी वहां पे रख सकते हो। 11 से 1 बजे का जो टाइम होता है वो आहुत मींस जो बच्चे मर गए हैं, जो गर्भ में ही मर गए हैं या किसी एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई है, जो ऐसे लोग होते हैं उनका वास होता है। तो इस टाइम हमने नहीं जाना है, मतलब दोपहर के टाइम हम वहां पे नहीं जा सकते, ना हम जोत लगा सकते। 1 से 4 वासुको मीन्स जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों ने या पंडितों ने आपको बोला होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है वो 1 से 4 के बीच में आराधना भी कर सकते हैं सेम, या आपने जैसे कुछ बहुत सारे उपाय बताते हैं हम कि शिव मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाओ, या ऐसा कोई भी आप वहां पे कुछ भी उपाय करना है वो आप दोपहर को आपको करना चाहिए, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपैरेटिवली और किसी टाइम करने के। 4 से 7 शाम को इवनिंग में महादेव यानी कि भगवान शिव, जो शिव भक्त है वो 4 से 7 वहां बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना है वो कर सकते हैं, या शनि महाराज को ठीक करना है आपको भी 4 से 7। आपने ये सुना ही होगा कि अगर शनि को ठीक करना है तो भगवान शिव को काले तिल चढ़ा दो उससे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप अगर शनिवार को लगा रहे हो तो आप तेल का भी लगा सकते हो, एक शनि के लिए लगा सकते हो, एक भगवान शिव के लिए देसी घी का लगा देना आप। तो आपने ये 4 से 7 के बीच में लगाना है। अब 7 से रात को 9:30 के बीच में आपको बताने जा रही हूँ जो आप सब लोग सुनना चाहते हो, पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए, वो तो सबको ही चाहिए, राइट? तो वो आपने शाम को 7 से रात को 9:30 के बीच में कुबेर जी, लक्ष्मी जी, आपने पहले भी सुना होगा कि शाम को हम तुलसी के पास दिया लगाते हैं तो लक्ष्मी जी के लिए लगाते हैं, घर में भी जिसका तुलसी है बहुत सारे लोग लगाते हैं, या पीपल के पेड़ पर लगाना है तो पीपल के पेड़ को अगर हम उससे कोरिलेट करें तो कुबेर जी का टाइम होता है शाम को 7 से 9:30 का। जिसको पैसे चाहिए, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, या मल्टीपल तरीके से आप चाहते हैं आपके पास पैसे आए, जॉब से भी आए, बिजनेस से आए, या कई सारे बिजनेस से आए, तो आपको शाम को 7 से 9:30 के बीच में देसी घी का दिया लगाना है, या प्रेयर करनी है, या मंत्र उच्चारण भी कर सकते हो कुबेर जी का या माँ लक्ष्मी का। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये कंप्लीट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर दी हुई है और YouTube चैनल का लिंक हमारे बायो में दिया हुआ है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले आपने मुझे Instagram पे बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। अब आप जो कंप्लीट वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आप YouTube चैनल पे जाके देखें। थैंक यू सो मच।